दंतारा वजदारा जना दूजनिया दी जोड़ी। बहुत मजा आया मुझे ये दंतारा पे काम करके, इस गाने को बनाने में, इस गाने को शूट करने में। मैं एक चैट शो कर रही थी मेरे सोशल मीडिया पे, उसका नाम था सुरीली चाय विद ऋचा। मैं चैट शो में एक शख्सियत से मिली, हिमाचल के फोक आर्टिस्ट हैं बाबा हंसराज रघुवंशी, और मैंने उमंग से इस बारे में डिस्कस किया। हमेशा आई हैव बीन लुकिंग अप टू हर एज माय म्यूजिक आइडल। उनकी जो आवाज है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है आवाज, वो हमेशा मुझे फैसिनेट करती है। हंसराज रघुवंशी भी बहुत खुश हो गए, उनका जब नाम आया तो फिर हिमाचल की बात आई। चैलेंजेस इसलिए थे क्योंकि अकेले खाली वॉइस अप करना। बस अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, और अगले एक आधा घंटा चाय वाय मारूंगी, सुरीली चाय। ओ मैंने अभी भी है लेकिन अभी एक 15 मिनट बाद चाय पीऊंगी। दिखा दो अपनी जरा चाय। चलिए आपको दिखाती हूँ, ये मेरा है प्यारा सा होम स्टूडियो। ये माइक है और माइक अटैच्ड है सीधा एक छोटे से मिक्सर से, और मिक्सर अटैच्ड है मेरे आईपैड के साथ। खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, फिर डब करके उमंग को भेज रहे हैं, उमंग सुन रहे हैं तो नहीं, यहाँ पे दीदी आपका ब्लो आ रहा है, थोड़ा ऐसे की करिए। पसीने पसीने हो गई हूँ मैं। पहले ये बताओ जल्दी, कैसा लगा? तोड़ सारे बंधन मैनू ले जा। ओह परफेक्ट, आई लव इट। हाँ ये कर दूंगी, उसके बाद छुट्टी। सच कहूँ तो ये लॉकडाउन सिर्फ दंतारा गाने की वजह से स्पेशल है मेरे लिए। ऋचा जी के साथ काम करने में भी बड़ा मजा आया। मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ एज एन आर्टिस्ट, इवन एज अ पर्सन। जब उन्होंने कॉल किया, आई वॉज वेरी हैप्पी कि हम इतने सालों बाद वापस साथ में काम करेंगे। जब मैंने धुन सुनी जो उमंग दोषी जी ने कंपोज की है, तो आई वॉज इवन मोर एक्साइटेड। पूरी टीम के साथ काम करके आई फील वेरी फॉर्चुनेट, आई हैड ग्रेट फन, एंड आई एम वेरी ग्लैड आप लोगों को भी ये गाना इतना पसंद आया। तो अब हमारे पास मेलेडी रेडी थी, लिरिक्स रेडी थे, और अब बारी आने वाली थी रिकॉर्डिंग करने की, जो कि बहुत टफ पार्ट था। आँखों मूंद चुपके से कुछ कह जा। हिमाचल की बात आई तो फिर हिमाचली फोक का टच डालने का मन हुआ, तो हंसराज से हमने बात किया, तो उन्होंने हमें ये फोक के बारे में बताया दंतारा। एक सॉफ्ट साइड उनके जो सिंगिंग का है, जो हम लाइव शोज में मैंने हमेशा सुना है, वो मुझे बहुत मन था कि वो उस किस्म का टेक्सचर एक गाना मैं उनके साथ करूँ जो ज्यादा लोगों ने सुना नहीं है बाहर। ये गाना जो हमने दंतारा साथ में किया है, इसके थ्रू वो टेक्सचर होपफुली मैं बाहर ले आ पाया हूँ आपके सामने। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विथ हर, यू गेट टू लर्न अ लॉट परफॉर्मिंग विथ हर, जस्ट बीइंग अराउंड हर, टॉकिंग टू हर, इट्स लाइक अ डिक्शनरी, म्यूजिक डिक्शनरी है, इट्स लाइक अ म्यूजिक बाइबल आप कह सकते हैं। तो हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ काम करके, एंड इस बार भी बहुत मजा आया, हमने बहुत मस्ती की वीडियो कॉल्स पे। गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी हो गया, और अब बारी आती थी शूट की। जो हंसराज हैं उनके तो सारे शॉट उनके आंगन में ही हैं। सबसे पहला शॉट हमने लिया था, वो हमने किया था जो आप झूले पे शॉट देख रहे हैं। आशिक जहां हो उस गली से चल गुजर। पे मैंने क्या क्या नहीं किया, मुझे बैकग्राउंड में उसके कर्टन पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने अपने एक कमरे से वो कर्टन निकाले, झूले के बैकग्राउंड है उस पे मैंने वो कर्टन लगाए। ठीक है मेरे को मिल गया, फ्रेम मिल गया है, क्लोज भी अच्छा लग रहा है ना, फील अच्छी आ रही है ना क्लोज में। अभी वहां से वो वाली लाइट भी डाल देंगे ना फेस पे, छोटी वाली। बार बार मेरा जो ड्रेस है, कभी मैं, मेरा जो हमारे राजीव जी हैं वो इधर से ड्रेस को पकड़ रहे हैं, कभी वो मेरे बाल ठीक कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। जो मेरा सेकंड शॉट मैंने लिया दियों के पास, जब मैं जमीन पे बैठी हूँ, चल मिले चलिए राजना दू छड़िया दे जोड़ी, और पूरा घेरा पीछे आपको दिख रहा है।
हाथ ऊपर ले जाना से थोड़ा नीचे अच्छा हाथ मुझे कान तक ही लाने हैं वो तो मैं तुमसे पूछूं चल बस एक्चुअली पता क्या है वो घेरा आधा ही है वो हाफ दुपट्टा है और हाफ ड्रेस का घेरा है वो चीटिंग शॉट है और फिर तीसरा शॉट था जो फ्रेम मैंने बनाया था वो था मेरी विंडो पे मैं खड़ी हूँ उसमें पीछे बहुत सारी जो दिवाली पे लाइट्स लगती हैं घर में हमारे पड़ी होती है गणपति के दौरान या फिर क्रिसमस पे हम लोग लगाते हैं और ठीक उसी विंडो पे जो हमने एक और फ्रेम सेट किया वो डे लाइट में किया मेरा हाथ आ रहा है अभी आ रहा है नहीं यहाँ गैप ज्यादा है ना सारे कर्टन्स को हटा के उस विंडो पे व्हाइट कर्टन लगाए आप विंडो क्लोज है जिससे कि पर्दे उड़ेंगे नहीं अपनी जगह पे ही रहेंगे लगा दे जल्दी से मेरा सेट टूट रहा है बार बार चलो सो दिस इज द फ्रेम और मेरा सबसे फेवरेट शॉट रहा है वो था टेरेस पे एक प्रॉब्लम आ रही थी जो बाउंड्री होती है छत पे वो कैमरे में अच्छी नहीं लग रही थी एक तरफ इतनी हरियाली पेड़ दिख रहे हैं लेकिन बीच में मेरे पीछे एक दीवार दिख रही है बाउंड्री की वो अच्छी नहीं लग रही थी अगर इस कॉर्नर पे टेबल रख के स्टैंड ऑन अ टेबल और खाली ये पोर्शन ले ये सब आपको लगेगा मैं बस ऐसे टेरेस पे खड़ी हूँ नहीं बाबा कम से कम 7 फीट की वो सीढ़ी है और उस सीढ़ी के ऊपर मैं बैठी हुई हूँ वीडियो बहुत अच्छा बन गया देन आई थॉट कि इसमें कुछ कमी है घर में लोबान पड़ा था फिर से शूटिंग इधर राजीव पंखे कर रहा है उसके ऊपर कोलों के ऊपर फॉग क्रिएट की है फेक फॉग बट वो शॉट इतना खूबसूरत आया ना जिसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं पहाड़ों में कहीं सर्दी में हूँ ना कि मुंबई की गर्मी में कहते हैं ना मेहनत करो दिल से करो और खुशी से करो तो फिर अच्छा रिजल्ट आ ही जाता है सभी ने बहुत मेहनत चाहे वो बैंड मेंबर्स थे चाहे वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर उनकी भी बहुत मेहनत और चाहे वो क्रिएटिव टीम वन डिजिटल जिन्होंने पूरा गाना आपको एडिट करके दिखाया रातों रात जागे हैं 3-3 रात जागे हैं मैं वन डिजिटल की टीम और हमारे मैनेजर आलोक परांदे सो इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क एंड स्पेशल थैंक्स टू माय एल्डर ब्रदर बिट्टू भैया क्योंकि उन्होंने ही मुझे बाबा हंस राज रघुवंशी से इंट्रोड्यूस करवाया एंड आवर लिरिसिस्ट पिंकी पूनावाला सो थैंक यू एवरीवन ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरे गाने को इतना ज्यादा प्यार दिया और हम सबको इतना सपोर्ट किया एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक को सपोर्ट किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया थैंक यू आई लव यू